नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए हम कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चीजों में से एक ब्लीच होती है। ब्लीच करने से चेहरे पर जमी सारी टैन निकल जाती है और चेहरे पर ग्लो आ जाता है। हालांकि इसमें मौजूद केमिकल्स त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है, इसलिए आप बाजार में बिकने वाली ब्लीच को इस्तेमाल करने की जगह घर में खुद से प्राकृतिक ब्लीच लगाएं। प्राकृतिक ब्लीच त्वचा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे हम इसके और भी फायदों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके फायदों के बारे में। नंबर एक, त्वचा में चमक आ जाती है। नंबर दो, चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। नंबर तीन, त्वचा मुलायम बनी रहती है और रुखापन दूर हो जाता है। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको ये ब्लीच बनाना कैसे है। दोस्तों, टमाटर में पाए जाने वाले तत्व चेहरे पर ब्लीच की तरह काम करते हैं और चेहरे पर निखार ले आते हैं। टमाटर की ब्लीच तैयार करने के लिए आपको शहद की भी जरूरत पड़ेगी। आप एक टमाटर अच्छे से पीस लें और इसका रस निकाल लें। इसके बाद इसके अंदर शहद मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें और इसे अपने चेहरे और गले पर अच्छे से लगा लें। 20 मिनट तक इसे सूखने दें और इसके बाद पानी की मदद से इसे साफ कर दें। टमाटर की ब्लीच लगाने से चेहरे पर जमी टैन एकदम गायब हो जाएगी और चेहरे पर निखार आ जाएगा। प्राकृतिक ब्लीच होने के कारण आप इसे हर हफ्ते अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, नींबू की मदद से भी आप अपने चेहरे को ब्लीच कर सकते हैं। आप दो नींबू लेकर उन्हें अच्छे से निचोड़ लें, फिर इस रस को रुई की मदद से अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लें। इसे अच्छे से सूखने दें और जब ये सूख जाए तो पानी की मदद से चेहरे को साफ कर लें। ऐसा करने से चेहरे की रंगत साफ हो जाएगी और चेहरे का कालापन दूर हो जाएगा। दोस्तों, दही से भी आप ब्लीच कर सकते हैं। दही में कई प्रकार के प्राकृतिक तत्व होते हैं जो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है जो कि ब्लीचिंग करता है। दही को आप अपने चेहरे पर अच्छे से रगड़ लें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लें। आपकी त्वचा की रंगत साफ हो जाएगी और चेहरा चमक जाएगा। आप दही को हफ्ते में दो बार चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, संतरे की मदद से भी आप ब्लीचिंग कर सकते हैं। संतरे को भी आप ब्लीच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक संतरा लेकर उसे अच्छे से निचोड़ लें, फिर इस रस में आप हल्दी का पाउडर मिला दें। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें और 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब ये सूख जाए तो पानी की मदद से चेहरे को साफ कर लें। दोस्तों, ये थे वो प्राकृतिक ब्लीच जिनकी मदद से आप 15 मिनट में ही निखरा चेहरा पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।